वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। और गाइस आज की ये जर्नी होने वाली है हमारी दिल्ली से कानपुर के लिए बाय सफर एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड की बस से। तो गाइस ये वीडियो स्किप मत करना यार, ऑल दो यार काफी सारी बसें जाती है दिल्ली से कानपुर, मैंने पहले भी कवर कर रखा है इस रूट पे। लेकिन गाइस ये जो बस है यार आपको जो है जिस प्राइस पे सर्विसेज ऑफर कर रही है वो कम्प्लीटली अनबिलीवेबल है, आउटस्टैंडिंग है। इसमें आप काफी सारा पैसा आप सेव कर सकते हो, सो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। तो गाइस बात करें बोर्डिंग पॉइंट की, तो जो बोर्डिंग पॉइंट होने वाला है हमारा वो होने वाला है कश्मीरी गेट की मंदिर वाली पार्किंग से। सो गाइस अगर आप लोग चैनल फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। सो चलिए आरंभ करते हैं। सो गाइस बात करें बस की टाइमिंग की, तो है 10:30 बजे। सो गाइस बाकी बातें मैं आपसे कश्मीरी गेट पहुंच के करता हूँ। अभी हो रहे हैं यार 9:15 यार, और मैं आ चुका हूँ यार कश्मीरी गेट के मेट्रो स्टेशन पे। बात करूँ यार यहाँ की जो लोकेशन है, आप जैसे ही मेट्रो स्टेशन पे आओगे आप गेट नंबर 1 या 2 से एग्जिट कर देना और उसके बाद राइट हैंड साइड पे आप मुड़ जाना, तो आप अपनी मेन जो मंदिर वाली पार्किंग है वहाँ पे आ जाओगे। सो गाइस आप ये देख सकते हो जो मंदिर वाली पार्किंग लिए जब आप निकलोगे तो यहाँ पे यार बहुत सारी ट्रैवल्स के आपको ऑफिसेज मिल जाएंगे, चाहे वो लक्ष्मी हॉलीडेज हो, चाहे वो राजकल्पना ट्रैवल हो, चाहे वो शताब्दी ट्रैवल हो, सबके ऑफिसेज हैं यहाँ पे यार। तो यार ये यार कम्प्लीटली प्राइवेट बस सेंटर है यार, यहाँ से यार एसी नॉन एसी या स्लीपर नॉन स्लीपर सीटर सारी बसें चलती हैं बहुत सारी जगहों के लिए गाइस। आप देख सकते हो शताब्दी ट्रैवल की बस लगी हुई, इसी से हम पहले कानपुर गए थे। दिल्ली से कानपुर के डिस्टेंस की तो यार वो है अप्रॉक्सीमेट 495 किलोमीटर, और यार अभी बज रहे हैं 10 यार, और ना लगी है बस, ना आया बस का नंबर। तो अभी जस्ट मैं यार उनके ऑफिस गया था और मैंने उनसे बस का नंबर लिया है, तो उन्होंने बोला अभी 10 मिनट के बाद बस लगेगी। सो गाइस बात करूँ यार जो बस का जो रिपोर्टिंग टाइम है यार वो हम लोगों को दिया हुआ 10:30, तो देखते हैं बस यार कब आती है। बात करूँ यार सफर एक्सप्रेस के ऑफिस की, तो यार ये यार शॉप नंबर 10 पे सिचुएटेड है और यहाँ पे यार हर एक ट्रैवल का आपको ऑफिस मिल जाएगा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me. यार हमारी यार बस आ चुकी है यार, और पीछे आप देख सकते हो लग चुकी है। आपको अंदर का दिखाता हूँ केबिन, और बाकी बातें मैं आपसे आगे करता हूँ। ये यार गाड़ी का टिपिकल ड्राइवर केबिन है जो कि बसेस में होता है। इस गाड़ी के अंदर यार वॉशरूम भी अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हो। सो गाइस कुछ इस तरीके का आपको अंदर केबिन दिखेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे है डबल स्लीपर केबिन और राइट हैंड साइड पे है सिंगल स्लीपर केबिन। आप ये देख सकते हो ये है मेरा यार अपर स्लीपर सिंगल स्लीपर केबिन, और जिसमें ये रैक दे रखी है, यहाँ पे आप अपने आइटम या शूज़ भी कई लोग रख देते हैं वैसे। और बात करूँ यार इसके अलावा ये कर्टन्स जो हैं लगी हुई हैं, तो रात को आराम से आप सो सकते हो, अगर बाहर लाइट वाइट जल रही है तो भी आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होने वाला। और मेरे को एक बहुत ही गजब की चीज़ लगी, ये एक विंडो लगी हुई है ग्लास की, जिससे आप जो है इसे रात को यूँ बंद कर सकते हो और आराम से आप प्राइवेसी में मस्त सो सकते हो, जो कि कई सारी बसेज में मैंने देखा ये चीज़ नहीं देते हैं। इसके अलावा बात करूँ यार बेडशीट जो है यार काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, कोई ऐसी मेरे को दिक्कत तो नहीं लग रही है अभी तक फिलहाल। और ये थोड़ा सा आप देख सकते हो, और उसके अलावा गई ब्लैंकेट दिए हुए हैं, ब्लैंकेट भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। सो गैस इनबिल्ट इसमें तकिया मिल रहा है जैसे कि आप देख सकते हो, और गैस बात करूँ ये कुशन दे रखा है टेक लेने के लिए कंफर्ट के लिए, और यहाँ पे एक दे रखा है 3 पिन या 2 पिन आप बोल सकते हो चार्जिंग पॉइंट, जो कि ये फास्ट चार्जिंग होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और ये ऊपर दे रखे हैं एसी के वेंट होल्स।
सो गाइस बात करूँ यार बस के टाइप की, तो यार जो बस है यार वो कंप्लीट एसी 2x1 स्लीपर कोच है, और जिसमें जो है सिटिंग का भी सेक्शन दे रखा है, जिसमें यार इसमें यार 8 सीटें अवेलेबल है सिटिंग की। तो अगर बात करूँ यार बस की यार, तो बस का जो टाइम हमें दिया गया था वो 10:30 था, और बस जो है 10:15 लग गई थी। लेकिन यार एक चीज़ बात ये थी यार, लाइव ट्रैकिंग थी और बस का जो डिटेल्स थी, बस का नंबर था, वो सारा यार 10:15 पे ही आया। तो मेरे अकॉर्डिंग यार ये यार कम से कम 1 से 2 घंटा पहले आ जाना चाहिए। जो अभी हो रहे हैं यार 10:40, और यार लाइव ट्रैकिंग बस की ऑन हो चुकी है। तो बने रहना वीडियो में यार, देखते हैं यार इनकी सर्विसेज कैसे रहती है। बात करें बस तो हमारी निकल चुकी है टर्मिनल से, और यार इस बस का यार एक और स्टॉप है अपार्ट फ्रॉम कश्मीरी गेट, जो कि अक्षरधाम है। सो देखते हैं यार अक्षरधाम पे ये कितने बजे पहुंचते हैं और रोकते हैं कि नहीं, क्योंकि बस तो यार ऑलमोस्ट जो है फुल हो चुकी है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। बात करें यार बस में चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो, अभी मैं उसको चेक करूंगा चल रहा है कि नहीं। और एसी जो है कूल तो कर रहा है, बट देखते हैं कि इसकी कूलिंग कैसी रहती है पूरी जर्नी में। और बस की पंचुअलिटी की, तो बस यार 15 मिनट लेट निकली है कश्मीरी गेट से। सो गाइस वीडियो में बने रहना, और मैं वीडियो के एंड में इस बस की जो टिकट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती है अगर आप कंपेयर करने वाले किसी भी एसी स्लीपर बस से, तो मेरे हिसाब से इससे सस्ती बस शायद ही अवेलेबल होगी अभी करेंटली जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। बस बस चलते हुए यार आधा घंटा हो चुका है, और अभी जो है कंडक्टर ने हमको वाटर बॉटल प्रोवाइड कर दी है, जो कि 500 ml की है, जो कि किनले की है। अभी जो है गैलरी के बीच की जो भी व्हाइट लाइट ट्यूब लाइट्स लगी है वो बंद कर दी गई हैं, और सिर्फ जो है स्ट्रिप वाली जो लाइट्स हैं येलो लाइट्स वो जल रही हैं। और भाई साहब जो व्यू आ रहा है ना, कतई शहर दिखाता हूँ यार। सो गाइज आई होप कि यार आपको जो है और नाइट व्यू केबिन का यार बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। सो गाइज जो ये लाइट्स हैं, जो वाइब दे रही है ना, उसको यार मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस लग रहा है। और अगर बात करूँ यार ये ब्लैंकेट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है यार, मतलब काफ़ी थिक है, मतलब ये है कि आपको ठंड नहीं लगेगी यार। यार मेरे फ़ोन की बैटरी यार थोड़ी सी लो हो गई थी, तो मैंने कहा चार्जर लगा के देखता हूँ। सो चार्जिंग लगाई मैंने, और ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है पैनल, और अभी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइस जो चार्जिंग स्लॉट है ये भी सही काम कर रहा है। और बात करूँ एसी की, तो एसी की भी कूलिंग अब तक की सही है। सो गाइस अपनी किस्मत में यही वाला दूध लिखा है फिलहाल, तो मैं चला ये दूध पी के आराम करने। गाइस अभी जो हमारी गाड़ी है यार वो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे चल रही है, और आगे की रूट की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। सो गाइस बात करूँ यार, अभी 12:20 हो रहा है, और हमारी जो बस है यार वो यमुना एक्सप्रेसवे के टोल रोड पे चल रही है, मतलब यमुना एक्सप्रेसवे पे ही चल रही है। और बात करूँ बस यार काफ़ी ज़्यादा स्टेबल चल रही है। और एक चीज़ और है यार, मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कश्मीरी गेट के अलावा भी इसका एक स्टॉप है जहाँ से पैसेंजर्स चढ़ सकते हैं, जो कि आश्रम चौक था, जो कि अक्षरधाम के जस्ट सामने पड़ता है। सो गाइस बात करूँ वहाँ पर बस ने कोई भी स्टॉपेज नहीं लिया, क्योंकि आई थिंक कोई भी पैसेंजर्स नहीं थे। सो गाइस अभी हो रहे हैं 3:40, और जो हमारी बस अभी खड़ी थी यार वो खड़ी थी इटावा के टोल के एंड पॉइंट पे, और गाड़ी ने अभी तक कोई भी हॉल्ट नहीं लिया है और कंटिन्यूस नॉन स्टॉप लेके आई है। और बात करूँ यहाँ से यार अभी कानपुर जो है वो अप्रॉक्सीमेट 3 घंटे की डिस्टेंस दिखा रहा है। और बात करूँ यहाँ बस के रूट की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस जर्नी का। तो अगर बस जो निकलती है वो निकलती है 10:45 पे कश्मीरी गेट से, उसके बाद ये यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए ये आती है इटावा, और इटावा से अभी जाएगी औरैया, औरैया से जाएगी अकबरपुर, अकबरपुर से जाएगी रनिया, जो कि कानपुर देहात पड़ता है। उसके बाद ये मॉर्निंग में जो एक्सपेक्टेड टाइम है टिकट पे 6:40 का, उस पर ये पहुँचेगी कानपुर। तो गाइस अभी हो रहे हैं यार 5:55,
और ड्राइवर ने कोई भी रात को हॉल्ट नहीं लिया, कोई भी स्टॉपेज नहीं लिया। और अभी भी यहाँ से 33 किलोमीटर दिखा रहा है कानपुर में, जो फजलगंज का मेन स्टॉप है जहाँ पे ड्रॉपिंग पॉइंट होने वाला है। सो गाइस बात करूँ यार एक्सपीरियंस की, अब तक का जो एक्सपीरियंस है भाई, एसी बहुत ही बढ़िया कूल कर रहा था। सो गाइस बात करूँ यार बस का, जो स्लीपर केबिन था काफ़ी ज़्यादा क्लीन था, पंचुअलिटी के मामले में बस यार बहुत सही है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और कानपुर के आउटर में है, और गाइस जो टिकट पे टाइम लिखा था वो 6:40 लिखा था, तो अप्रॉक्सीमेट मेरे हिसाब से यार 6:40 से 7 के बीच ये गाड़ी कानपुर मेन कानपुर में पहुंच जानी चाहिए। जो ड्राइवर था सफ़र एक्सप्रेस का, वो भी अभी तक बताऊं तो बहुत ही सही ड्राइव करते हुए आया, कोई भी रैश ड्राइविंग नहीं करी, तो लाइव ट्रैकिंग है पूरे रास्ते चलती रही, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आई। अगर आपके लव्ड वंस हैं उनको आप ये लिंक भेज सकते हो, तो वो एक तरीके से आपकी गाड़ी ट्रैक करते रहेंगे कि आप कहाँ पर पहुँच चुके हो। सो गाइस यूजुअली यार मैं यार मतलब वॉशरूम जो है बसेस की यूज़ करता नहीं हूँ इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, मैंने इस बस का वॉशरूम यूज़ किया और काफ़ी ज़्यादा क्लीन था यार। इसमें यार मेल और फीमेल पैसेंजर्स दोनों अलाउड हैं। सो गाइस कई सारी बसेस में यार जो वॉशरूम्स होते हैं वो सिर्फ फीमेल पैसेंजर के लिए ही अलाउड होते हैं, बट इस बस में ऐसा कुछ नहीं था। मैं सो गैस 6:46 पे यार मेरे को बस ने यार ड्रॉपिंग पॉइंट पे ड्रॉप कर दिया था, और यार बस जो है बिल्कुल ऑन टाइम थी यार। तो गैस मेरे को यार बस में कुछ चीजें सही नहीं लगी, बाकी सब कुछ सही था जो मैंने आपको बताया। बस का नंबर होता है और ड्राइवर का नंबर डिटेल्स होती है ताकि आप कॉन्टैक्ट कर सको अगर आपको बस नहीं मिल रही, वो यार नहीं आया था। वो 2 घंटे पहले यूजुअली ट्रैवल ऑपरेटर्स भेज देते हैं, बट इन्होंने 10:15 पे भेजा, उससे पहले इनके ऑफिस में मैं ऑलरेडी जाके आ चुका था नंबर लेके, लेकिन इनको ये चीज यार कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले भेज देनी चाहिए, नहीं तो काफी ज्यादा चीजें जो है गड़बड़ हो सकती है, कई बार बस मिस भी हो सकती है जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवल नहीं करते हैं। सो गाइस इसके अलावा यार केबिन में यार कोई भी रीडिंग लाइट नहीं दी हुई थी मेन केबिन के अंदर, जो स्लीपर केबिन था, क्योंकि यार देखो यार कई सारे लोग ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं, किसी का एग्जाम हो या कोई पढ़ने का शौकीन हो, तो कोई भी रीडिंग लाइट नहीं दी हुई थी। और जो भी मैंने वीडियोस बनाई भाई वो मैंने फ्लैश लाइट ऑन करके काफी ज्यादा तिकड़म लगा के बनाई है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब आता हूं यार टिकट का, यार मतलब कई सारे लोगों को दिमाग में होगा कि इसकी टिकट क्या है, और मेरे से बात करूं इसकी टिकट की, तो मेरे को जो फाइनल टिकट पड़ी थी वो पड़ी थी 587 रुपए की। हाँ जी एसी स्लीपर केबिन की। अब आप लोग कह रहे हो इतनी कम कैसे? सो गाइस जो ये बस जो चलती है सफर एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, रात के 10:30 वाली, गाइस इसकी यूजुअल जो टिकट है वो 800 से 900 के बीच दिखाता है सिंगल स्लीपर केबिन की। उस दिन जिस दिन मैं बुक कर रहा था 800 की दिखा रहा था, फिर सडनली कुछ प्राइस ड्रॉप होता है तो 750 दिखाने लग गया। उसके बाद एक कोड था बस 300 का, और वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हो लगा के, अगर आप लोग अगर वो कोड चल रहा होगा तो इससे आपका काफी ज्यादा ऑफ होने वाला है। इसकी रेटिंग भी 4.1 है यार। एक इम्पॉर्टेंट फीचर तो आपको बताना रह गया यार, ये जो बस थी यार मैंने एक दिन पहले की थी, सो कुछ रीजन की वजह से प्लान में थोड़ा चेंज हुआ, तो अब इस केस में क्या होता है यूजुअली यार लोग यार टिकट कैंसिल कर देते हैं और उसमें उनका काफी सारा पैसा वेस्ट हो जाता है कैंसिलेशन के बाद। बट इस केस में सफर एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड की बस में फ्लेक्सी टिकट का ऑप्शन था, जिससे मैंने जो कल की टिकट थी वो मैंने अगले दिन सेम टाइम पे सेम बस में सेम सीट पे मैंने ट्रांसफर कर ली थी। अब यार और गाइस ये फ्लेक्सी टिकट का ऑप्शन जो है ये 8 घंटे पहले तक आप यूज कर सकते हो बस के निकलने से पहले। सो गाइस करता हूं मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप कि यार आज का ब्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, मजा आया होगा। चैनल फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट।